248 hours after a catastrophic earthquake shook southern Turkey. टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। टर्की और सीरिया भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। मलबे के ढेर से जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय सेना और NDRF की टीमों के मोर्चे संभाले हुई है और भारतीय डॉक्टरों की टीम के साथ डॉग स्क्वाड और अत्याधुनिक उपकरणों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, टर्की और सीरिया में एक हफ्ते पहले आए विनाशकारी भूकंप में बेघर हुए लाखों लोग तंबुओं में खचाखच भरे हुए हैं। वहीं मलबे में अब भी दबे जीवित लोगों को निकालने के लिए तलाश अभियान और लास्ट स्टेप में प्रवेश कर गया है। हालांकि अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो अपनी तलाश में भटक रहे हैं और इस तलाश अभियान में NDRF के साथ कुछ स्नाइपर डॉग्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। स्नाइपर डॉग स्क्वाड की टीम में जूली, रोमियो, हनी और रेनबो नाम के लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते शामिल हैं। इस स्क्वाड में विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग्स हैं और ये सब आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के दौरान सूंघने और दूसरे स्किल्स में एक्सपर्ट है। इन दिनों चारों तरफ जूली और रोमियो नाम की चर्चा काफी है। दोस्तों, इन लोगों ने गंजियातेप शहर में इमारत के मलबे से 6 साल की बच्ची का पता लगाया था, जिसके बाद NDRF की टीम ने बच्ची को बाहर निकाला था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसके बारे में काफी डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, 6 साल की एक बच्ची टर्की के भूकंप प्रभावित नूदरगी इलाके में मलबे में फंसी थी। इस घटना के बारे में NDRF संचालकों में से एक कहते हैं कि जब हम किसी भी जगह बचाव और राहत कार्य के लिए जाते हैं तो हमारे पास हमेशा जोड़े में कुत्ते और हैंडलर होते हैं। हम पहले आपस में तय करते हैं और डॉग्स को छोड़ते हैं। वो बताते हैं इसके बाद जिस कुत्ते को हम छोड़ते हैं वो लोगों को खोजता है और फिर भौंक कर हमें जीवित इंसानों की पॉसिबिलिटी के बारे में इशारा करता है। इसके बाद हम दूसरे डॉग को छोड़ते हैं, फिर आगे जाकर ये हमें इस संकेत की पुष्टि करता है। और उन्होंने बताया कि नूदरगी इलाके में इसी तरह से दोनों ने 6 साल की बच्ची की जान बचाई थी। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो कि इससे पहले 9 फरवरी को NDRF ने राहत बचाव कार्य करते हुए गंजियातेप शहर में एक इमारत के मलबे से 6 साल की बच्ची को बाहर निकाला था। इस बच्ची को निकालने के लिए NDRF की मदद जूली और रोमियो ने की थी। जूली ने बच्ची को मलबे में ढूंढ निकाला था। अगर बच्ची को समय पर नहीं निकाला गया होता तो शायद बच्ची जिंदा नहीं बच पाती। इस दौरान पहले जूली ने पता लगाया कि 6 साल की बच्ची कहाँ दबी हुई है और फिर हैंडलर को इसकी जानकारी जूली ने दी। इसके बाद रोमियो को लाया गया और फिर रोमियो ने पुष्टि की कि मलबे में बच्ची कहाँ जिंदा फंसी हुई है। इसके बाद बच्ची को बाहर निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दोस्तों, NDRF प्रेजेंट में नूदरगी के साथ टर्की के डिफरेंट हिस्सों में ये प्रॉब्लमेटिक प्लेसेस पर मलबे में जान बचाने और एक जिंदा लोगों को खोजने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट लगा रहे थे। ये इलाका 6 फरवरी को आए भूकंप की बुरी तरह से प्रभावित हुआ। टर्की और उत्तरी सीरिया में 6 फरवरी को आए 7.8 की तीव्रता के भूकंप में 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और पूरा का पूरा शहर वीरान और कंक्रीट के मलबे में तब्दील हो गया। भूकंप पीड़ित जेरा कुरुकाफा ने कहा कि बेघरों के लिए पर्याप्त संख्या में तंबू नहीं पहुंचे हैं और जिसने चलते लोगों को उपलब्ध तंबू में ही शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। टर्की अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि 1,50,000 से ज्यादा भूकंप पीड़ित को प्रभावित प्रांतों से बाहर ले जाया गया। दरअसल टर्की सीरिया के इस आपदा की घड़ी में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से आर्मी और NDRF की टीमें भेजी गई जो आपदा क्षेत्र में लगातार लोगों की मदद कर रही थी और वही इस काम पर स्नाइपर डॉग काफी मददगार साबित हुए। दोस्तों, स्नाइपर डॉग मलबे में हल्की से हल्की हलचल को तेजी से पकड़ रहे थे जिससे वहां किसी भी जीवित होने का पता चला और उसको निकाला जा रहा था। मेक्सिकन रक्षा मंत्रालय ने रविवार को प्रोटियो को श्रद्धांजलि दी और कहा कि तुम्हारे वीरतापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद, तुमने मेक्सिकन सेना में मिशन को पूरा किया। उन्होंने कहा कि हमारे महान साथी डॉग प्रोटियो ने खोने का हमें अफसोस है और हमें प्रोटियो पर गर्व है। मेक्सिकन मीडिया के मुताबिक प्रोटियो मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रहा था और इसी दौरान कुचलने की वजह से उसकी मौत हो गई।
जहां मशीनें असफल हो गई वहां भारत के स्नाइफर डॉग्स ने कमाल कर दिखाया दोस्तों। 6 साल के बच्चे की जान बचा ली। भूकंप में तुर्कियों में हुए भारी तबाही के बीच दुनिया के कई देशों के जवान तुर्कियों और सीरिया में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। भारत की तरफ से भी NDRF का दल राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ था दोस्तों। खबर के अनुसार NDRF की एक टीम तुर्कियों के नूरदागी इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई थी और इसी दौरान NDRF के स्नाइपर डॉग जूली ने मलबे में एक जगह भौंकना शुरू कर दिया और NDRF के जवान समझ गए कि जूली को मलबे में किसी जिंदा व्यक्ति के संकेत मिले। इसके बाद दूसरे डॉग को उसी जगह भेजा गया और भौंकना शुरू कर दिया जब दूसरे डॉग ने, तब इसके बाद NDRF के जवानों को पता चलता रहा कि कोई जिंदा व्यक्ति मलबे में फंसे हुए हैं। इसके बाद जवानों ने उसी जगह सावधानी से मलबा हटाना शुरू किया तो 6 साल की बच्ची वहां जीवित मिली। बच्ची की पहचान 6 साल के मेरेन के रूप में हुई और फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा था। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश पर NDRF की 2 टीमें सभी जरूरी उपकरणों और 4 स्नाइपर डॉग्स के साथ तुर्की में राहत और बचाव कार्य के लिए जब भेजे गए, भारतीय सेना के जवान भी तुर्की में भेजे गए जहां एक फील्ड अस्पताल बनाकर भूकंप प्रभावित का इलाज कर रहे थे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर NDRF द्वारा 6 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए NDRF की तारीफ की। भूकंप प्रभावित तुर्की गजियाटेप प्रांत के नूरदगी में तैनात भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों के लिए ये एक चमत्कार था। दोस्तों तुर्की में NDRF दल के नेता कमांडेंट गुलमिंदर सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 6 साल की बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया और स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया जिन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। भूकंप के 80 घंटे हो चुके थे और हम 7 फरवरी को यहां आने के बाद से लगातार काम कर रहे थे। हमें मृतकों के अलावा कुछ भी नहीं मिला और एक चमत्कार देख रहे थे। NDRF की तुर्की में तैनात 3 टीमों में 151 कर्मी है, उनमें 4 प्रशिक्षित डॉग्स को शामिल किया गया। 6 साल की लड़की को बचाने वाली 18 लोगों की टीम उनमें से एक थी। ये टीम गाजियाटेप में तैनात 2 टीमों में से एक है। तुर्की में आए भूकंप के सेंटर से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित नूरदगी में लगभग 600 इमारतें पूरी तरह से ढह गई थी। NDRF की दूसरी टीम तुर्की के हटे प्रांत में है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में और भारत के डॉग्स के करिश्मों के बारे में जो इन्होंने 6 साल की बच्ची को इस तरीके से बचा लिया? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।